एवरीवन, तो आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमारा पार्ट क्या है आज का, ये है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स के बारे में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस में सॉल्युबल होते हैं, किस में सॉल्युबल नहीं होते हैं और क्यों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, हम पढ़ेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डाइपोल मूवमेंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके डाइपोल मूवमेंट के बारे में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट के बारे में। इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। हमें पता है हमारा हेलो एल्केन किस नेचर का होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3Cl, ये है मेरा हेलो एल्केन, ठीक है। इस हेलो एल्केन के अंदर मुझे पता है कि ये एक पोलर टाइप का बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें पोलैरिटी जनरेट हो रही है। पोलैरिटी आ रही है मतलब चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है। किस वजह से होता है चार्जेस का सेपरेशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे हमें पता है कि जो सीएल होता है वो काफी सेल्फिश टाइप का होता है ना, तो सीएल सेल्फिश टाइप का होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, हमारे इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। और जहां भी पोलैरिटी जनरेट होती है तो वहां पे हम कहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व तो हो सकता है ना। अगर मैं बात करूं इसकी सॉल्युबिलिटी को पानी के अंदर, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। पानी के अंदर अगर मैं सिंपल ले लूं सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं सॉल्ट सॉल्यूशन कह रही हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर के अंदर NaCl को डाला और इसमें था मेरा पानी, ठीक है। यहाँ पे था वाटर, उस वाटर के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा NaCl, है ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया NaCl। अब NaCl मुझे पता है कि वो एक आयनिक कंपाउंड है। अगर वो एक आयनिक कंपाउंड है तो वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl- नेगेटिव में। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से H+ और यहाँ से OH नेगेटिव क्या बनाएगा, HCl और NaOH। मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादातर मेरे पानी में डिजोल्व तो हो जाते हैं क्योंकि वो आयन्स हैं। मेरा पानी भी एक पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो भी आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये पानी में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कितना अच्छे से पानी के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर हम देखें तो ये जो मिथाइल है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मान लो ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट कंपाउंड पूरा तो जल्दी से ब्रेक होता नहीं है। इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सेपरेशन आया चार्जेस के अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको आयन्स में कन्वर्ट कर दूंगी तुरंत, नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या ये पानी में डिजोल्व होगा, नहीं होगा पानी में डिजोल्व, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पोलर कंपाउंड, दैट इज माय पोलर कंपाउंड, है ना, इसके अंदर पोलैरिटी है, इसके बावजूद ये पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता, पानी में ये सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाता। थोड़ा थोड़ा दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा तो पोलर ये भी है, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और उसके बीच में हाइड्रोजन शेयर होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन को कंपेयर करूंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है क्लोरीन के कंपेरिजन में, है ना, और फिर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, वहां पे मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन क्लोरीन के केस में मुझे खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोलर कैरेक्टर ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो फिर ये किस में सॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होता है, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आए कि व्हाई योर हेलो एल्केन्स आर नॉट एक्चुअली डिसॉल्व इन वाटर, व्हाई इज इट सो, बिकॉज
they cannot form hydrogen bonding because they cannot form hydrogen bond. ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो पानी में आराम से स्टेबल रहेंगे. तो फिर ये किस में डिसॉल्व हो पाते हैं? ऑफ कोर्स इनमें नॉन पोलर करेक्टर ज्यादा है. अगर मैं बात करूं CH3Cl लिया मैंने, अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ थोड़ा CH3CH2 और Cl ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा और CH3CH2CH2Cl ले लिया. जैसे जैसे मैं एल्काइल की चेन बढ़ाती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं एल्काइल की चेन बढ़ाती जाऊंगी, इसका नॉन पोलर करेक्टर बढ़ता जाएगा. नॉन पोलर करेक्टर बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दो एक जैसे लोग हैं. अगर ये कार्बन और कार्बन दोनों के दोनों एक ही जैसे लोग हैं तो क्या ये पानी में डिजोल्व होना चाहेंगे? नहीं डिजोल्व होंगे. ना ही पानी टूटेगा ना ही ये टूटेगा, ये दोनों अपना अपना आराम से बैठे रहेंगे. अपना 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 तुम अपना मैं अपना, है ना, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पानी पोलर कैरेक्टर शो करता है. तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी जो हो भी रही थी वो भी डिक्रीज होती जाएगी. ओके, तो मतलब ये जो होते हैं ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कार्बन डाइसल्फाइड अगर मैं ले लूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर मैं ले लूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उनके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा होता है और इनके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है. तो नॉन पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक का केस आ जाता है, जो जैसा वो वैसा, है ना. अगर मैं पोलर हूं तो मेरे साथ पोलर वाले लोग बॉन्ड बनाएंगे, अगर मैं नॉन पोलर हूं तो मेरे साथ नॉन पोलर वाले बॉन्ड बनाएंगे. अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है. तो इस वजह से ये जो आपका हेलो एल्कीन है, जैसे जैसे हेलो एल्कीन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी नॉन पोलैरिटी करेक्टर बढ़ता जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है. अगर मुझे इसका रिएक्शन कराना है तो मैं इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराऊंगी, ठीक है, ताकि वो आराम से सॉल्युबल हो जाए, एक लिक्विड बन जाए अच्छा खासा, और मेरा कंपाउंड, मेरा रिएक्शन हो और मुझे कोई प्रोडक्ट मिले, ठीक है. अब देखो सॉल्युबिलिटी की तो बात हो गई, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की. तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे. अब मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कैसे करता है? जैसे कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? वैन डर वाल अट्रैक्शन, वैन डर वाल अट्रैक्शन होता है उनके बीच में. नॉर्मल हम पढ़ते हैं ना कि सॉलिड है तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, है ना. बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है तभी वो एकदम क्लोज पैक्ड होते हैं अपने लैटिस के अंदर, है ना. तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा बढ़ता जाता है उससे क्या होता है, यहाँ पे इस मीथेन मीथेन इस कार्बन कार्बन के बीच में आपको वैन डर वाल अट्रैक्शन देखने को मिलेगा. यहाँ पे और कोई अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता. अगर मैं इसमें बोलूंगी कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो इसमें डाइपोल डाइपोल है, क्योंकि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता वहां पे नॉर्मल अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल अट्रैक्शन, ठीक है. अब वैन डर वाल अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वैन डर वाल अट्रैक्शन होगा, है ना. सिंपल सी बात है, अगर मैं एक रूम ले लूं और उस रूम के अंदर पहले दो लोग थे, उनके बीच में पोलैरिटी नहीं थी, दोनों नॉन पोलर टाइप के ग्रुप थे, ठीक है. तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में नॉर्मल अट्रैक्शन है, नॉर्मल अट्रैक्शन, ठीक है. अब दो लोग आराम से बैठे हुए हैं एक रूम के अंदर बंद, तो ऑफ कोर्स बात तो करेंगे ही ना, चाहे उनका जैसा भी नेचर हो. उसके बाद जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है. तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा वैन डर वाल अट्रैक्शन और उतना ही ज्यादा मुझे मिलेगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. जितना ज्यादा वैन डर वाल अट्रैक्शन जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं 1, 2, 3 तो इसमें मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट में एक ही मिथाइल है, दूसरे में दो मिथाइल आ गए, तीसरे में तीन मिथाइल आ गए. तो जैसे जैसे मेरी कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है, लॉन्ग चेन बढ़ती जा रही है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. अब देखो, अब हम थोड़े से ना एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. चलो
ले लूंगी कार्बन, मैंने लिया मिथाइल और इसके साथ लिया सीएल, मैंने लिया मिथाइल इसके साथ लिया आयोडीन, मैंने लिया मिथाइल इसके साथ लिया, चलो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। अगर मैं मिथाइल के साथ फ्लोरीन का बॉन्ड बनाऊं, अगर मैं मिथाइल के साथ क्लोरीन का बॉन्ड बनाऊं, अगर मैं मिथाइल के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड बनाऊं, फिर मैं मिथाइल के साथ आयोडीन का बॉन्ड बनाऊं, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? योर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल्सो टू वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस मेरे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे ये आयोडीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, जैसे मैंने लिया ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, तो मुझे पता है डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, डाउन द ग्रुप मोलर मास बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। आयोडीन का मास 129 होता है, बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है, ये सिंपल ऑर्डर कि जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होता जाएगा। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ वैन डर वाल अट्रैक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगर मैं सिंपल कंपाउंड हूं, जैसे कि मैंने ले लिया एन पेंटेन, ठीक है, मैं क्लोरोपेंटेन लेती हूँ, एन क्लोरोपेंटेन, ठीक है, चलो अब इसे नोट कर लो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर में एक जैसे क्वेश्चन तो आते नहीं है, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट भी आते हैं, तो हमें समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलो अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि अब मैंने लिया CH3 CH2 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 और ये ले लिया मैंने आयोडीन, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा आइसोमर लेती हूँ, ठीक है, मैं आइसोमर की एक अलग वीडियो बना दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने लिया CH3 CH2 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 I, ठीक है, इसके बाद मैं ले लेती हूँ इसको थोड़ा चेंज करके CH3 और यहाँ पे मैंने ऊपर ले लिया CH3, ये ले लिया CH2 और ये ले लिया I। देखो चार ही सेम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भी चार ही सेम लोग हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है लेकिन आप उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो, तो हम उसको कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन की चेन चार ही ली है मैंने, यहाँ पे भी कार्बन की चेन चार ही ली है, ठीक है। इस तरीके से हम अगर अरेंज कर सकते हैं चीजों को तो हम वहां कहते हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब मैं तीसरी चीज क्या कर सकती हूँ, अगर मैं एक ही कार्बन पे तीन तीन मिथाइल लगा दूं और यहाँ पे आयोडीन लगा दूं, ठीक है, अगर मैं काउंट करूंगी तो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा, फोर्थ, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 4 6 7 8 9, यहाँ पे देखें 2 4 2 3 6 2 3, ये कितने हो गए, 6 और 9, सेम 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3 3 3 9 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी सेम, कार्बन भी सेम, आयोडीन भी सेम। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आप उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो तो हम उसको कहते हैं कि दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो इनके बीच में सिंपल अट्रैक्शन लगेगा, विच वी कॉल इट एज अ वैन डर वाल अट्रैक्शन, और कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की चेन में थोड़ा सा उसका आइसोमराइजेशन कर दूं, मतलब अगर मैं इस कार्बन में मिथाइल को थोड़ा एक्सचेंज कर दूं, मैं इसकी चेन को छोटा कर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पूरा सरफेस एरिया है इसका, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गई और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया यहाँ पे सरफेस एरिया, और अगर मैं नीचे देखूंगी तो और ज्यादा डिक्रीज हो गया मेरा सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं हो जाएगा,
तो बच्चों मैं क्या कह रही थी कि जैसे जैसे सरफेस एरिया आपका डिक्रीज होता जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से देखते हैं। हमें पता है जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्सेस पे। वो किस पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्सेस पे। अब वैन डर वाल फोर्सेस बताओ, मुझे ध्यान से सोच के बताना, इस कार्बन इन सबके बीच में एक कमाल का अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये एक ही सरफेस पे प्रेजेंट है। जितना ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया में सब बैठे हुए हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी ब्रांचिंग कर दी, तो क्या ये वाला कार्बन इससे अट्रैक्ट कर पाएगा इतना, क्या ये वाला कार्बन इससे इतना अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं, अट्रैक्शन कम हो रहा है। और अगर मैं ज्यादा ब्रांचिंग कर दूंगी तो क्या होगा, क्या ये वाला कार्बन इससे अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, क्या ये वाला कार्बन इससे अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया जैसे जैसे डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा, हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, हमारा जो वैन डर वाल अट्रैक्शन है वो भी कम होता जाएगा। अगर वैन डर वाल अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायरेक्टली हमारे वैन डर वाल फोर्सेस पे। तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया है, अगर मैं इसे ले लूं तो यहाँ पे इसका अट्रैक्शन इससे बहुत ज्यादा है, फिर इसका अट्रैक्शन इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया को थोड़ा कम कर दूं तो क्या होगा, क्या इसका अट्रैक्शन इस वाले से थोड़ा ज्यादा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने उसके ऊपर एक ब्रांच बना दी है जो कि उससे बिल्कुल सेपरेट आउट हो चुका है, जो अपनी लेन से सेपरेट आउट हो चुका है। इसकी वजह से उसका उससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्या लेना देना, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वैन डर वाल अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमारे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे डायपोल मोमेंट की। आप इसे नोट डाउन कर लो, बहुत आसान सी चीज है, ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस, एंड वैन डर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एंड दैट्स इट। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डायपोल मोमेंट। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो डायपोल मोमेंट को मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ, व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट तभी आता है, डायपोल मोमेंट कब हमें दिखाई देता है, व्हेनेवर देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। डायपोल मोमेंट जब आता है, जब हमें क्या दिखता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस दिखेगा तभी मुझे डायपोल मोमेंट दिखेगा। ठीक है, और ये डायपोल मोमेंट मेजर क्या करता है, क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द पोलैरिटी, मेजर्स द पोलैरिटी। कितनी ज्यादा पोलैरिटी है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये हमारा डायपोल मोमेंट बताता है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, इट मेजर द पोलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। लेट्स से मेरे पास ये CH3Cl है। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं CH3Cl को ड्रॉ करने जाऊंगी तो ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ है ना, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का, और सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। ठीक है, तो हम सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली डायपोल मोमेंट होता क्या है। हमने लिखा डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली अकर्स व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमें कहाँ दिखाई देते हैं, स्पेशली या तो आयनिक कंपाउंड हो तो उसमें तो आयंस ही बन जाते हैं। लेकिन चार्जेस कहाँ सेपरेट होते हैं, वो होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जैसे कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, हमने पढ़ा इसका नेचर कैसा होता है, हमारा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसका मतलब वो चार्जेस को किसकी तरफ सेपरेट करेगा, किसकी तरफ,
हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मतलब डाइपोल मोमेंट वहां भी दिखेगा जहां पे देयर इज सेपरेशन, देयर इज डिफरेंस, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है तो वहां पे मुझे दिखेगा क्या? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहां से? विच मेजर्स द पोलैरिटी। मतलब पोलैरिटी आ रही है किसी भी कंपाउंड के अंदर। पोलैरिटी का मतलब क्या है? चार्जेस का सेपरेशन। मतलब ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। डाइपोल मोमेंट मेजर्स द पोलैरिटी। पोलैरिटी कब आएगी? जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा। जब क्या होगा? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और चार्जेस कब सेपरेट होंगे? जब देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो वहां पे मुझे दिखेगा चार्जेस का सेपरेशन, और वहीं से मुझे क्या दिखेगा? पोलैरिटी। और पोलैरिटी से मुझे क्या दिखेगा? डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो यहां से मुझे दिखेगा डाइपोल मूवमेंट। अब यहां पे देखते हैं, हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसकी वजह से आया? हमारे क्लोरीन की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन पोलैरिटी को अपनी तरफ खींचेगा, डाइपोल को अपनी तरफ खींचेगा, तो डाइपोल क्लोरीन की तरफ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन की हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड पे, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की। अगर मैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में चेक करूं, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चेक करूंगी तो कार्बन की तरफ और कार्बन की तरफ, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? ऊपर की तरफ जाएगा। ओवरऑल पोलैरिटी किधर जा रही है? क्लोरीन की तरफ जा रही है। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है, है ना? इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है ना? मतलब मुझे डाइपोल मोमेंट दिखा कि एक्चुअली वो होता कहाँ है और दिखता कैसे है। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, और फर्दर हम समझेंगे कि एक्चुअली ये डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो पढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है। पहले तो हमारा डाइपोल मोमेंट किसके किस पे डिपेंड करता है? तो हमने देखा जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, वो डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे। चार्ज और डिस्टेंस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा चार्जेस का, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, चार्जेस बहुत ज्यादा सेपरेट होंगे, है ना, उतना ही ज्यादा आपका डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ ले लिया मैंने क्लोरीन। इसके बाद मैंने ले लिया हाइड्रोजन, 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 यहाँ मैंने ले लिया क्लोरीन। इसके बाद मैंने ले लिया कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसके बाद मैंने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब मुझे इसमें क्या दिखाई देगा? जितना ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्जेस उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। अगर मैं इन सब में देखने चलूंगी तो मुझे पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो सबका डाइपोल उनकी तरफ खींचा जाएगा, सबका डाइपोल उनकी तरफ खींचा हो जाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन में से ये सारा डाइपोल कार्बन की तरफ जाएगा, है ना। सबका डाइपोल किसकी तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ। हर किसी का जाएगा कार्बन की तरफ। हम डाइपोल को हमेशा ऐसे दिखाते हैं एरो के साथ डैश, कि उसके पास डाइपोल मोमेंट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे तीनों केसेस के अंदर, चारों केसेस के अंदर मैंने देखा कि जो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट है वो बढ़ रहा है। ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है तो वो बढ़ रहा है ना। तो मैं देखूंगी तो सबसे ज्यादा जो मुझे लेंथ दिखाई देगी वो किसकी दिखाई देगी? सबसे ज्यादा मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी दिखाई दे रही है? फ्लोरीन की।
उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे किसकी दिखाई दे रही है, पहले क्लोरीन, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयो। तो देखो अभी हमने बोला कि जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है उसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आयोडीन की। तो हमें पता है जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस के, पहले तो चार्जेस जितना ज्यादा सेपरेट हो। तो जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसमें तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, है ना, उसमें सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। अगर मैं इसे देखूं तो मुझे पता है कि कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड में सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो इससे लिए मेरा एरो ऑर्डर जो होना चाहिए डायपोल मोमेंट का वो तो ऐसे जाना चाहिए, मतलब कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आएगी एक एक्सेप्शन, अब वो क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज पे तो डिपेंड कर ही रहा है लेकिन डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, हमारी बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद क्लोरीन, है ना, फिर ब्रोमीन और आयोडीन तो बाद के लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी हमारे फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, क्योंकि हमें पता है जो फ्लोरीन है वो बहुत छोटा होता है साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटे होने की वजह से जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटी होती है बॉन्ड लेंथ, बहुत कम होती है। इसके कंपैरिजन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है ना, क्योंकि क्लोरीन थोड़ा बड़ा है साइज में। लेकिन अगर मैं इसके बाद लेने जाऊंगी ना तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत फर्क पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम हो जाएगी कि इतना सेपरेशन चार्ज मुझे दिखेगा ही नहीं। तो इन दोनों के ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम देखते हैं कि जो CH3Cl है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉम्पनसेट हो जाती है और वहां पे हमें डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और बाकी सारा ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम जाता है। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है, CH3Cl और फ्लोरीन के केस में, इन स्पाइट ऑफ फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा दिखाएगा, लेकिन हमारा डाइपोल में इसके साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है, डिस्टेंस हमारा CH3Cl का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू CH3F, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है और फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे और आयोडीन के केस में हम डाइपोल मोमेंट को कम ही देखते हैं, ज्यादा नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़े और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये तो था ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट व्हेन यू हैव CH3F, CH3 क्लोरीन एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोहेल्केन, ब्रोमोहेल्केन एंड आयोडोहेल्केन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि और ज्यादा डाइपोल मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास अगर ये बॉन्ड हो CCl 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 और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, इसको थोड़ा ना अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मान लो ये कार्बन, यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन, यहाँ पे दो तरफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन, क्लोरीन, और यहाँ पे ले लिया मैंने तीन तीन हाइड्रोजन। चलो अब इन तीनों का हमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक काम करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिंपल कार्बन क्लोरीन है। ठीक है,
तो हमें पता है कार्बन और क्लोरीन में से डाइपोल क्लोरीन की तरफ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। पहले हम डाइपोल दिखाते हैं कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ, और कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की तरफ, क्योंकि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन की तरफ, और बाकी इधर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, इधर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, इधर हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम देखेंगे सबका डाइपोल मोमेंट, सबका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट कार्बन का क्लोरीन की तरफ, उसके ऑपोजिट कार्बन का क्लोरीन की तरफ, तो ये दोनों के दोनों हो गए कैंसिल। क्यों? क्योंकि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या कोई हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा, तो डाइपोल जनरेट ही नहीं होगा। अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पे भी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जब भी ऑपोजिट साइड पे डाइपोल मोमेंट जाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड पे डाइपोल जा रहा है हमारा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की तरफ भेज रहा है और कार्बन क्लोरीन की तरफ, और इधर देखेंगे तो इधर भी सेम क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है? राइट साइड की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इधर चेक करते हैं, इधर हमने देखा तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ और ये उल्टा कार्बन की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन से कार्बन और कार्बन से क्लोरीन, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जा रहा है मेरा क्लोरीन की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, बट मैं कहूँ तो थोड़ा ज्यादा है ना। तो अगर मैं इसको मान लू ए, इसको मान लू मैं बी, इसको मान लू मैं सी, तो मुझे पता है सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट मुझे कहाँ दिखेगा, जहां पे फुल डायरेक्शन की तरफ डाइपोल मोमेंट जा रहा है, और वो है बी। तो बी फिर सी फिर ए, क्योंकि ए में तो डाइपोल मोमेंट ही नहीं बचा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है डाइपोल मोमेंट को चेक करना। डाइपोल मोमेंट मतलब सिंपल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जहां पे आपको चार्ज ज्यादा दिखेगा, जहां पे चार्ज सेपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है डाइपोल, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उस अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूवमेंट जाएगा। इसी को कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, और कैसे आप इसका ऑर्डर चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर की। अगर मैंने ले लिया कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, अगर मैंने ले लिया कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, फ्लोरीन का बॉन्ड, क्लोरीन का बॉन्ड, आयोडीन का बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो हम चेक करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो चलो अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो अब हम करते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा या कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम देखें कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को, फिर क्लोरीन के बॉन्ड को, फिर ब्रोमीन के बॉन्ड को, फिर आयोडीन के बॉन्ड को, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका लेफ्ट टू राइट है तो रिएक्टिविटी उसके एग्जैक्टली इनवर्स होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं रिएक्टिविटी देखूंगी तो कोई कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, कि वो कितनी आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो इसमें पता है फ्लोरीन बहुत छोटा है, तो फ्लोरीन जल्दी तो बॉन्ड तोड़ेगा नहीं कार्बन से, ना क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ काफी बड़ी होगी। जितनी ज्यादा आपकी बॉन्ड लेंथ है, जितनी ज्यादा आपकी बॉन्ड लेंथ होगी, उतना ही कम आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी स्टेबिलिटी भी कम। बॉन्ड ऑर्डर किसके इनवर्स, किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपकी स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतनी ज्यादा आपके बॉन्ड में स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है,
आयोडीन आई नेगेटिव बना लेगा और इसका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो फ्लोरीन का साइज ही बहुत छोटा है, उसके पास स्पेस ही नहीं है कि वो एक और इलेक्ट्रॉन को रख सके अपने पास। इस वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, तो आयोडीन फ्लोरीन जो है आसानी से बॉन्ड को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो वो ऐसे स्टेबल बैठा है। तो अगर मैं लिखूं रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो मुझे पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आपका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। अगर मैं देखूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो जस्ट इसके प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन क्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन और उसके बाद कार्बन आयोडीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, आपका कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। कोई इंसान कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी उसके ठीक ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर पूरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, कि हम हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे जज कर सकते हैं, उनका डायपोल मोमेंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब आज हमने डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं अगली ही वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।